और बनाकर भगवान का भोग लगा। पर एक बात ध्यान रखना बाबा, सवेरे होने से पहले आप चले जाना, मेरा पति है ना, संतों को देखते उसका बीपी हाई हो जाता है। हाँ कोई डाकू है ना, इनमें एक संत जो बड़ा बुद्धिमान था, आदरणीय सतीश दास, वो गुरुजी के कान में बोले, गुरुजी यहां रुकना बिल्कुल ठीक नहीं है, डाकू का घर है, आप तो निकल लो यहां से। गुरुजी बोले, अरे बच्चा तू देख तो सही, इसकी भावना देखो, इसकी श्रद्धा देखो, बिटिया कितनी भक्त है, आज यही रुकेंगे। गुरुजी इसका पति आ गया ना, डाकू है, गड़बड़ हो जाएगा। अरे आ जाएगा तो कुछ बोलेगा तो हम सुन लेंगे, पर हमको तो इसके पति को सुधारना है, इसीलिए तो हम साधु बने, जो बिगड़े को सुधारे वो साधु। रामचंद्र मोहन दास बोले, आजकल तो सुनते ही नहीं किसी की, गुरु जी सुनते ही नहीं। आदरणीय आशीष दास जो बड़े उच्च कोटि के जटाधारी महात्मा थे, वो बोले भैया रुक जाओ, हम क्या कर सकते हैं, गुरु जी ने कहा तो रुकना पड़ेगा। आटा दाल चावल उसने दे दिया और सामने बगीचा में ईंटा का चूल्हा बनाया, सब संत लग गए भोजन पकाने में। बड़ा सुंदर मोटा मोटा टिक्कर बनाया, हाँ काशी फल की सब्जी बनाई अमी।